हम असम सर गुवाहाटी। तो एज यू कैन सी गाइस आदमी रसी तो इधर बैठा हुआ है सब लोग। सर गलती हो गया, अभी नहीं करूंगा। हर भाई पुलिस पकड़ ले इधर। आप लोग के इंडिया में ऐसा ही हाईवे होता नहीं होता है? होता है सर। हाँ वहाँ पर ट्रैफिक रूल्स होता है नहीं होता है? आवाज देख पा रहे हो फैलकन सर? आठ को गया था ना तो ये बिल्डिंग टूट गया था, राजा का बिल्डिंग। टिकट लगेगा तो इंडिया का तो फ्री बोल रहा था। दो बाइक क्रॉस करने का जगह नहीं है, ऐसा गली है नेपाल में भाई। हाउ मच प्राइस इन नेपाल? बोला कि WFL हो गया, मैं बोला हाँ। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया ओके ओके। तो चलो गाइस निकलते हैं, अभी हमारा ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो चुका है काठमांडू में, और हमारा आज तीसरा दिन है काठमांडू में। बहुत मजा आया काठमांडू में, सही में बोल रहा हूँ भाई। थामेल मार्केट हो गया, पशुपतिनाथ मंदिर हो गया, फिर बहुत सारा लोकेशन है ऐसा जहाँ पे नेपाल अगर आप लोग आओगे तो ज़रूर विजिट करना पड़ेगा। तो इधर हमारा ग्रुप बाइकर भाई लोग, इधर अभी खाना पीना खा लेता हूँ। तो अभी इधर खाना पीना खाएंगे हम। ओ खारो बिठा वालों को ब्रेकफास्ट हो गया, और अभी यहाँ से निकल रहा हूँ बुद्धा स्तूपा, और बुद्धा स्तूपा आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। उसके बाद और इंटरेस्टिंग प्लेस दिखाऊंगा नेपाल का। तो चलो गाइस निकलते हैं अभी काठमांडू के छोटे छोटे गलियों से होके सीधा बुद्धा स्तूपा। चलो चलो। मेरे राइट साइड में यमहा का बहुत बड़ा एक शोरूम है, और एक है सेंगान ऑटो, साइना का है कुछ। सेंगान ऑटो और यमहा एक साथ है दोनों, इंडिया और साइना भाई भाई हो गया है भाई नेपाल में आगे। और इधर ये नेपाल का आदमी क्या तो किस चीज़ के लिए तो लाइन लगाता है, पेट्रोल पंप के लिए लाइन भाई। इतना मतलब हुए, देखो पहले टोकन लेना पड़ता है, उसके बाद पेट्रोल पंप में जाके पेट्रोल डालना पड़ता है, मतलब इतना ज़्यादा इधर थोड़ा दिक्कत होता है पेट्रोल का। और ये वाला बिल्डिंग भी पिछले वाला ब्लॉग में भी आप लोग दिखाया था ना, कितना ह्यूज है देखो भाई, इससे भी एक ह्यूज बिल्डिंग है। बाकी नेपाल का जो रास्ता है, गली है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, आदमी है, गाड़ी है, सब कुछ पसंद है मुझे भाई। सो इधर गाइस नेपाल का एक हमारा अंकल है, अंकल को मतलब हमारा बाइक बहुत अच्छा लगा। ठीक है अंकल एकदम। सो ये वाला दुकान से मतलब हम गाइस पेन ड्राइव ले लिया साइन, बिकॉज भाई मेमोरी अभी स्टोर करने का जगह नहीं है, तो पेन ड्राइव वगैरह ले लिया, कोई टेंशन नहीं है अभी। एक पेन ड्राइव और एक कार्ड राइडर ले लिया, बिकॉज बहुत परेशानी हो रहा था वो वीडियो वगैरह स्टोर करने के लिए, स्पेस ही नहीं है भाई, इडिट ही नहीं कर पा रहा हूँ ना, बिकॉज घूमने के टाइम और सोने के टाइम पूरा मैच नहीं हो रहा है भाई। अभी जो ये गली में हूँ ना गाइस, ये नेपाल का मतलब मार्केट एरिया है भाई, इधर एक से बढ़कर एक ब्रांड का कपड़ा मिल जाएगा आपको, मास्टर कॉपी कॉपी भाई, बहुत सुंदर सुंदर कॉपीज मिलता है इधर। अगर मेरा बस चलता ना भाई, यहाँ से अगर मैं इम्पोर्ट कर सकता था ना तो मैं कर लेता भाई मेरा शॉप के लिए सामान। मुझे क्यों भाई पता नहीं, काठमांडू के गलियों में गाड़ी चला के बाइक चला के बहुत मजा आ रहा है भाई, एक से बढ़कर एक सामान मिलता है भाई इधर। और नेपाल का काठमांडू में लेकिन चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है भाई, क्योंकि साइना का एवरी प्रोडक्ट आप लोगों को मिल जाएगा, साइना हो गया, इंडिया का भी इन्फ्लुएंस है, इंडिया का भी ऑलमोस्ट 80% तो सब कुछ मिल ही जाता है, लेकिन साइना का जो प्रोडक्ट वगैरह है ना सब इधर अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि बॉर्डर नज़दीक है ना। पूरा गली के अंदर आ चुका हूँ नेपाल का। तो गाइस बुद्धा स्तूपा का पार्किंग बहुत चुका हूँ, अपना जो बाइक है पार्क में लगा दिया, और नेपाल का इधर एक गाड़ी है देख सकते हो, कौन सा तो बाइक है नो आइडिया भाई, लेकिन भाई बहुत धासू दिख रहा है। ये है VR बोल के, चाइनीज कंपनी होगा शायद, नो आइडिया है ना। अभी बुद्धा स्तूपा पहुँच चुका हूँ, और इधर देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा ही कबूतर है भाई, पूरा खाना वाना दे रहा है। और यहाँ पे देखा जाए तो गाइस ये है बुद्धा स्तूपा, बहुत ही बड़ा है भाई देख सकते हो, और सब बुद्धि साथ में लोग भी आप लोगों को इधर दिखाई देगा। यार इंडिया का फ्लाइट ऊपर से
तुपा के ऊपर से ही जा रहा है, देख सकते हो एयर इंडिया का फ्लाइट। बहुत सुंदर व्यू है भाई, इसको देख सकते हो गाइस। पिछला 2-3 घंटा से ऐसे ही बताए बैठ के तपस्या कर रहा है। नेपाल अगर आते हो जरूर विजिट करना ये वाला प्लेस, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं भाई, नेक्स्ट डेस्टिनेशन में मिलते हैं आप लोगों को। तो अभी जाने वाला हूँ एक दूसरा लोकेशन में जाने वाला हूँ, वहाँ पे जाके भी आप लोगों को दिखाने के लिए ट्राई करूंगा। सो चलो निकलते भाई, मजा आने वाला है भाई। अब यहाँ से रास्ता देखो भाई, कितना चौड़ा रास्ता है। बाप रे बाप भाई, पटाखा सो रहा है फैलकर, पुलिस ना पकड़ ले। इधर पुलिस पकड़ ही रहा है देखो भाई, इसलिए भाई इधर ज़्यादा स्पीड नहीं गाड़ी चलाने का, धीरे धीरे गाड़ी भगाने का। राम रो हल्को हल्को। काठमांडू में एक चीज़ नोटिस किया मैं, इधर ना भाई पुलिस जगह जगह पे है, ठीक है। तो इधर भाई होशियारी करने का ज़रूरत नहीं है, मार देगा भाई पुलिस वाला, समझ गया ना। क्या मार देगा आप लोगों को बताइए। और ट्रैफिक बहुत ज्यादा है भाई, हमारा गुवाहाटी जैसा ही ट्रैफिक है भाई इधर भी यार, हालात खराब हो गया भाई। आगे देखो भाई ये कौन सा तो बाइक है, ओहो भाई क्या लग रहा है ब्रो। व्हिच बाइक दिस वन, व्हिच बाइक, चाइनीज कंपनी, ओके ओके ओके, इंडिया इंडिया। सो कुछ नाम बताया लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन चाइनीज कंपनी है भाई। रोड जो है ना यहाँ का बहुत छोटा छोटा रोड है भाई, बहुत सुंदर सुंदर रोड है ब्रो। व्हिच कंपनी, कंपनी नेम, मोटर हेड। हाउ मच प्राइस इन नेपाल? ओके ओके ओके। ओए सुंदर लड़की, उड़ा दूंगा। कंट्रोल कंट्रोल उदय, मजा आ गया। अभी ये एकदम एक गली में घुस गया हूँ नेपाल का, और भाई यहाँ का गली लेकिन बहुत छोटा छोटा है भाई। रोड थोड़ा ठीक है, छोटा ही है रोड, लेकिन गली देख सकते हो यार, दो बाइक क्रॉस करने का जगह नहीं है, ऐसा गली है नेपाल में भाई। So guys, finally, अभी ये पठानकोट बोल के एक एरिया है, उधर पहुंच चुका हूँ। और इधर देख सो कितना पुराना पुराना मंदिर वगैरह है भाई, स्ट्रक्चर है ना भाई। बाकी जो स्ट्रक्चर है ना यहाँ का, बहुत ही सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर है भाई। इधर देख सकते हो, इधर अंकल है, अंकल इधर देखो, अंकल हेलो अंकल हाय। इधर और बाकी ये सब देख सकते हो भाई, इधर भी है गणेश जी का इधर मूर्ति है देख सकते हो। और बाकी जो स्ट्रक्चर है ना भाई, वो बहुत पुराना पुराना स्ट्रक्चर है, एज यू कैन सी। इधर भी है स्ट्रक्चर। हेलो सर, हाँ इंडिया से, इंडिया से। हाँ इंडिया के लिए सर टिकट लगेगा। हाँ टिकट तो इंडिया का तो फ्री बोल रहा था। नहीं सर टिकट लगता है, मैं कल उधर गया था तो वो लोग बोला कि इंडिया, आप इंडिया से हो तो पूरा फ्री है ऐसा बोला था। ये अलग दरबार, यहाँ टिकट लगता है। लेकिन वो लोग तो चला गया हमारा दोस्त लोग, आया था पठान स्क्वायर में। और अभी यहाँ से आगे जाने से भी यही जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है ना, यही बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सो अभी हम अंदर नहीं जा रहा हूँ, इधर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ से हम दरबार स्क्वायर जाने वाला हूँ, उधर आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। और बाकी यहाँ से एक बार गोप्रो में व्यू देख लो भाई, ये बहुत पुराना पुराना स्ट्रक्चर है। आर्ट को गया था ना तो ये बिल्डिंग टूट गया था, राजा का बिल्डिंग था तो अभी न्यूली बना रहा है। और बाकी इधर हम लस्सी वगैरह पी रहा हूँ, लस्सी पी के यहाँ से निकल जाऊंगा। सो नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है उधर आप लोगों को दिखाऊंगा, दरबार स्क्वायर, ठीक है। जब आठ को गया था ना पठान स्क्वायर में, ये वाला बिल्डिंग टूट गया था, और ये वाला बिल्डिंग ये सब नहीं टूटा था, ये वाला टूटा था। और जो मलवा है ना, मलवा सब इधर ही है। और जब ये बनाएगा रिस्टोर तो यही साफ करके लगाएगा, ठीक है। तो पुराना जो इतिहास है वो मतलब उधर रख देगा, ठीक है, सेफ करके। आवाज देख पा रहे हो फैलकन की भाई, नेपाल गूंज गया है भाई, नेपाल में फैलकन का आवाज गूंज रहा है। Oh my God, guys, this is Kathmandu. अभी लग रहा है ना Kathmandu में आया हूँ। रुको जरा, सबर करो। ओ भाई आगे देखो ना भाई, क्या लोकेशन है यार, बहुत प्यारा लग रहा है यार। पूरा बिल्डिंग्स वगैरह आगे दिखाई दे रहा है ना, तो इसलिए बहुत सुंदर लग रहा है। I love Kathmandu. मजा आ गया। Oh
तो इधर पुलिस रोक लिया गाइस। हम असम सर गुवाहाटी, हाँ पूरा नेपाल ट्रिप कर रहा हूँ। हाँ हाँ चार आदमी। आप लोग के इंडिया में ऐसा ये हाईवे होता नहीं होता है? होता है सर। हाँ वहाँ पर ट्रैफिक रूल्स होता है नहीं होता है? होता है सर। हाँ 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 आप लोग का पता है नहीं पता है? हाँ सर पड़ता है। मतलब कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ आप लोग कुछ गलत किया क्या? क्या या ओ ये लाइन में कंटीन्यूअस लाइन है ये? हाँ हाँ ये मतलब क्रॉस नहीं कर सकते इंडिया में एक कंटीन्यूअस लाइन और क्या होता है? इसमें शायद वो ओवरटेक नहीं कर सकते शायद। भाई पुलिस पकड़ ले इधर, फर्स्ट टाइम नेपाल में पुलिस पकड़ा सर। गलती हो गया अभी नहीं करूंगा हर। नहीं नहीं मतलब दूटा लाइन थे ओवरटेक ही फल दे कर बनवा रही। ये दूटा लाइन है ना, ये दो लाइन हम नहीं अभी और नहीं करूंगा। लेकिन पुलिस बहुत अच्छा है भाई, पोलाइटली बात कर रहा है। हाँ नहीं करूंगा सर, हमको नहीं वो साथ सादा नहीं 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 एकदम इस बार अच्छे से जाऊंगा। हाँ 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 सही है सर। हाँ 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 ओके 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 सही है सर, आपका बात सही है। यस 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 एग्री। हाँ हाँ ओके सर, अभी नहीं होगा और अभी हम अच्छे से जाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। 50 ओके ठीक है सर। ओके सर थैंक यू सो मच। पुलिस पकड़ लिया था क्यों पता है? हाँ हमारा ही गलती है यार, इधर दो लाइन है ठीक है, तो उस तरफ से क्रॉस नहीं कर सकता, ये दो लाइन का मतलब हुई है। सर मुझे पूछा था, मैं बता दिया। सो हमने कर दिया गलती, तो अभी सर को सॉरी बोल दिया और नहीं करूंगा बोला। सर ने बोला ठीक है आप लोग गेस्ट हो इंडिया से आए हो तो जाओ, हम छोड़ दिया, नेपाली होने से हम फाइन कर देता, तो ठीक है यार आई अंडरस्टैंड। सो गाइस अभी दरबार स्क्वायर पहुंच चुका हूँ, लेकिन इधर पार्किंग ढूंढ रहा हूँ, कहाँ पे पार्किंग होगा। यू आर कमिंग टुगेदर? वी कम फ्रॉम ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ओके। दिस इज माय यूट्यूब चैनल। यूट्यूब नो इट इज बेनेल, दिस इज माय यूट्यूब चैनल, आई एम मेकिंग ब्लॉग्स। सो इधर गाइस फॉरेनर। ओके बाय। ऑस्ट्रिया से आया है बहन लोग, हमारा डीडी लोग बसंतपुरा। सो गाइस अभी बसंतपुर में था और अभी हमारा सब्सक्राइबर भाई लोग इधर मिल चुका है। भाई का नाम अभिनव भाई है इधर, और आपका अरूप दहाल, स्वरूप दहाल भाई है, और आपका वैभव। तो वैभव भाई आप बेंगलोर से आए? बेंगलोर से नहीं, मैं आसाम से आया, मैं बेंगलोर में रहता हूँ। तो भाई लोग अरे सही है भाई। तो भाई लोग मतलब इधर ही बैठा हुआ था, हम भी मतलब खाना खा रहा था, तो बोला कि डब्ल्यू लेफ्टल हो क्या? मैं बोला हाँ। फैन बॉय मूवमेंट एकदम भाई, अच्छा लगा मिल गया, ठीक है भाई अच्छा लगा। ठीक है भाई लोग एकदम ब्लॉग वगैरह देखते रहना और एकदम मजा से, ठीक है ब्रो, पूरा नेपाल वो करूंगा। ठीक है ब्रो बाय ब्रो एकदम अच्छा लगा भाई, चलो भैया बाय। तो चलो गाइस अभी यहाँ से थोड़ा आगे जाऊंगा, जाके आप लोगों को दिखाने के लिए ट्राई करूंगा बसंतपुर में इधर जो दरबार वगैरह है ना। सो लेट्स गो। सो गाइस अभी इधर टिकट वगैरह बनाने के लिए आया हूँ, और इंडिया पर्सन के लिए 500 रुपीज़, और फॉरेनर जितना भी अदर कंट्री उसके लिए 1000 रुपीज़ का भाई इधर टिकट फीस है भाई, मजाक नहीं है भाई। अभी सो गाइस अभी दरबार स्क्वायर देखने के लिए अभी ये टिकट मिल चुका है, गले में लटका के लेके जाऊंगा। इधर हमारा अंकल है गाइड। तो गाइस अभी टिकट मिल गया है, अभी यहाँ से निकलते हैं, निकल के आप लोगों को अच्छी तरह से मैं एक्सप्लोर कराऊंगा दिखाऊंगा। और इधर एक देखो, इधर एक ऊपर सब भाई लोग हमारा बैठा हुआ है, तो चलो गाइस एक्सप्लोर करते हैं अभी यहाँ से, लेट्स गो। अभी इसके ऊपर जाऊंगा, इसके ऊपर आ चुका हूँ अभी, और यहाँ से एक बार व्यू देखो ये दरबार स्क्वायर का, और भाई बहुत सुंदर है। सो बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है इतना बड़ा एरिया है। अभी हम ये वाला एरिया में हो अभी, बाकी इतना सारा जो एरिया है हमको घूमना पड़ेगा। तो एज यू कैन सी गाइस आदमी रह सकते हो, इधर बैठा हुआ है सब लोग, इधर भी है आदमी रह सकते हो, पूरा आदमी लोग चारों तरफ बैठा हुआ है भाई, यहाँ से ऊपर से क्या नजारा आ रहा है।
दिस इज दरबार स्क्वायर। बहुत मजा आ रहा है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इधर घूम के बहुत मजा आ रहा है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और चलो अभी नीचे जाके दूसरा है, इससे भी बड़ा एक है तो वो दिखाता हूँ। अभी इतना नीचे जाना पड़ेगा। और इधर एक बहुत बड़ा नेपाल का झंडा है, अंकल लेके खड़ा हुआ है। अंकल देख सकते हो इधर कितना बड़ा झंडा है, इधर मस्त वाला। वाह भाई यार, नाइले में पछता लो भाई, नाइले पछता लो यार। ये देखो कितना सुंदर है। अंकल देखो बड़ा दिल खुश के, दिल खोल के हंस रहा है अंकल। और ये देखो दरबार स्क्वायर का जो अंदर का हिस्सा है ना भाई, बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। नेपाल आओगे तो मज़ विजिट। यहाँ पे एक हनुमान जी का एक मंदिर है, आप लोगों को दिखाता हूँ, डर के मत देखना, ओनली हनुमान जी का दर्शन लो। इधर है जय हनुमान जी, हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ ही है भाई, बिकॉज अच्छे इंसान के साथ हमेशा भगवान रहता है, लाइक मी। और इधर है ये